भोपाल के एपिसोड में हम आ गए हैं। आज मैं आपको लेकर के आ गई हूँ विंड एंड वेव्स में, जो कि काफ़ी पुराना ईट्री है भोपाल का। बहुत सारी फेमस फेमस मूवीज़ की यहाँ पर शूटिंग भी हुई है, जो कि एक्चुअली ब्लॉकबस्टर भी गई थी। तो अगर आप कभी भी आ रहे हैं भोपाल, लेक व्यू अगर आप आ रहे हैं, तो दिस इज़ वन सच प्लेस ना जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली अभी हम अंदर जाने वाले हैं, बहुत कुछ खाने पीने वाले हैं, तो वो सब कुछ आप देखने वाले हो। तो मेक श्योर कि वीडियो पूरा लास्ट तक आप ज़रूर देखना। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट जी, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि हमने लेक जो है, अपर लेक या बड़ा तालाब जिसे कहते हैं, वहाँ पर बोटिंग वगैरह की थी और मैंने कई सारी डिटेल्स भोपाल को लेकर, बड़ा तालाब को लेकर आपके साथ शेयर भी किया था। अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो यहाँ पर मैं ऊपर लिंक कर रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिस्प्ले है। ये बहुत पॉश एरिया में आती है ये जगह पूरी। और आज हम जहाँ जा रहे हैं वो है विंड एंड वेव्स, जो कि MPT के अंडर आता है। MPT इज़ नथिंग बट मध्य प्रदेश टूरिज़्म। सो MP गवर्नमेंट ये प्रॉपर्टीज़ का टेक केयर करती है और यहाँ पे कुछ चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड होती हैं। एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, नंबर वन तो यहाँ पर जो फूड क्वालिटी आपको मिलती है, जो नीटनेस क्लीनिनेस का ख्याल रखा जाता है, टेस्ट बहुत अच्छा आपको मिलता है। सो कभी भी अगर आप भोपाल में हैं या इवन MP में हैं, सो MPT रेस्टोरेंट्स में आप बेझिझक होकर बिल्कुल जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो जगह प्रॉपरली, ये जो स्पेस अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पर, यहाँ पर ना आरक्षण मूवी का जो सॉन्ग है, ज़रा शॉट में बतलाओ ना, ऊपर एक बबल में आपको दिख भी रहा होगा, तो वो उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई है। ऐसे ही भोपाल में बहुत सारी जगह, बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। जहाँ जहाँ जाएंगे कोशिश करूंगी कि मैं वो आपको दिखा पाऊँ। नाउ अब चलते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ओपन में सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। बाय द वे, ये जो हॉल आप देख रहे हो ना, दैट्स एक्चुअली फॉर योर सेलिब्रेशंस एंड ऑल। फिलहाल वहाँ पर कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है। एंड ये ऊपर का व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है और बिल्कुल शांत यहाँ पर है। So you can actually come, sit, have a good time. थोड़ा सा भीड़ भाड़ से अलग आपको आना है। एंड इफ़ यू हैव किड्स तो उनके लिए यहाँ पर पूरा किड सेक्शन भी है। थोड़े बहुत झूले वूले लगे हुए हैं तो वो आप इन्जॉय कर सकते हैं। ऐसे एक्सप्लोर करते करते ये देखिए क्या मस्त चीज़ एक्सप्लोर करी है। यहाँ पर लगा हुआ है ये नीम का पेड़, जो कि ईजिली आप देख सकते हो। सो इट्स एक्चुअली ये नीम का पेड़, बट इसी में ही अपने आप उग गया है ये पीपल का पेड़। इज़न्ट दिस अमेजिंग? सी, कोई अलग से नीचे कोई रूट वूट कुछ नहीं है, इसी में से उगा हुआ है अंदर से। हाँ जी, ऐसे चमत्कारों से ही भरा पड़ा है हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया ऐसा लगता है। खैर अब इसको साइड में रखते हैं और चलते हैं सीधे रेस्टोरेंट के अंदर। तो उस दिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये पूरा ह्यूमिड था, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, इसलिए हम बाहर नहीं बैठ पाए। हमने कोशिश करी थी हालाँकि, बट बाहर नहीं बैठ पाए, तो हम अंदर आ गए आराम से वहाँ पर बैठने के लिए। तो यहाँ का एक छोटा सा टूर आपको देती हूँ, उसके बाद हम ऑर्डर करते हैं फूड। तो हमने ना उस दिन, ये वीडियो एक्चुअली स्टार्टर स्पेशली होने वाला है, बिकॉज हम मेन कोर्स तक पहुँच ही नहीं पाए थे। स्टार्टर ही हमने रिपीट कर हमारा पेट उसमें भर गया था। तो जो भी अवार्ड वगैरह इनको मिले हुए हैं वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ है। स्टाफ वॉज डिसेंट काइंड। इसके साथ साथ एक छोटा सा कंप्लेंट रहेगा, जो कि है इनकी सर्विस को लेकर, मतलब थोड़ा सा सर्विस टाइम ऐसा लगा कि ज़्यादा ये ले रहे हैं, इसके अलावा बाकी सब ठीक था। तो अंदर से भी काफ़ी सुंदर आपको व्यू मिलता है देखने के लिए। अलग अलग सिटिंग है, तो डिपेंडिंगली कि आप कितने मेम्बर्स हो, आप बैठ सकते हो, अपनी चेयर्स वगैरह ले सकते हो, टेबल ले सकते हो। एंड या चलो अब चलते हैं, एक टूर आप देख लो साथ में, रात में कैसा लगता है व्यू वो भी देख लो। तो रात में भी बहुत सुंदर लगता है, ऑल्दो कैमरे के थ्रू उतना अच्छा नहीं दिख रहा, बट आप जब लाइव देखते हो तो काफ़ी सुंदर लगता है। तो अब चलते हैं और मेन्यू मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। फिलहाल कुछ कुछ फटाफट से हम ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। इनके मेन्यू में ही ना ये पूरा अच्छे से डिस्टेंस दिया हुआ है कि विंड एंड वेव में अगर आप हो तो वहाँ से किस मेन मेन जो स्पॉट्स हैं उसके क्या डिस्टेंस है। अब बारी आ जाती है क्या ऑर्डर हमने किया था उसका टेस्ट है। सो ड्रिंक्स की अगर बात करूँ तो ब्लू लगून और मिक्स फ्रूट पंच शेक हमने किया था, जो काफ़ी अच्छा था, 5 out of 5। दही के कबाब बहुत अच्छा था, 5 out of 5, बहुत अच्छा टेक्सचर था। इसके साथ में फ्रेंच फ्राइज जो हमेशा ये 6 लगते हैं, तो वो 5 out of 5। स्प्रिंग रोल्स जो बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसकी स्टफिंग अच्छी नहीं लगी एक्चुअली, तो ये 2 out of 5 लेके जाएगा। देन चिल्ली पनीर था एंड क्रिस्पी कॉर्न था। क्रिस्पी कॉर्न थोड़ा सा च्यूई लग रहा था, तो ये मज़ा नहीं आई, 2.5 out of 5।
वैसे कुछ भी कहो, क्रिस्पी कॉर्न बढ़िया तो बारबेक्यू नेशन का ही लगता है। बाय द वे ईटरीज ऑफ भोपाल में हमने बारबेक्यू नेशन भी कवर किया है, आई बटन में मैं लिंक उसका दे रही हूँ, तो वो जाकर जरूर देखना। चिली पनीर अच्छा था, काफ़ी टेस्टी था, तो वो लेकर जाएगा 5 out of 5। इसके अलावा पनीर टिक्का भी हमने ऑर्डर किया था जो लेके जाएगा 5 out of 5। तो बस अभी फटाफट से यही सब चीज़ें, क्योंकि अच्छा लग रहा था तो हमने रिपीट की, कुछ चीज़ें उस दिन थी भी नहीं वहाँ पे मेन्यू में, तो बस इसको फिनिश करते हैं। दिस वॉज द ओवरऑल बिल। अब मैं आपको मेन्यू दिखाती हूँ, बट इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि देखो भोपाल में बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमने की, नॉट ओनली भोपाल, हम तो MP भी कवर कर रहे हैं, इनफैक्ट पैन इंडिया हम कवर कर रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है। तो चैनल में बैठे बैठे आप अपने घर से सारी चीज़ें देख सकते हो यार, इटरीज ऑफ भोपाल तो हम करते ही हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब फटाफट से इनका मेन्यू आप देख लो, लास्ट तक ज़रूर देखना, कंप्लीट पूरा देखना वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स उसमें अटैच किए हैं आपके लिए। तो चलो चलते हैं, और नाइट व्यू भी दिखाऊंगी अभी मैं आगे आपको, यहाँ से पूरा कितना सुंदर दिखता है। आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे साथ ही यम्मी लिशियस्टी डिलिशियस फूड आपने भी इंजॉय किया हो, सो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स डिटेल्स के लिए ज़रूर चेक कर लेना, जहाँ पर इस चैनल पर हम जो भी करते हैं वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। सो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि इस पूरे वीडियो में से सबसे फेवरेट पार्ट आपका क्या है। जल्दी ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।